हमने 1000 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं इस गेम के। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानिश हमीद। सैरी हम लोगों ने कर लिए 3rd रोज़े की। बाकी ये है कि अभी मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरी आँख जो खुली है वो 10 बजे खुली, और इसलिए क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है आजकल। मैं 11 से 12 बजे सोने वाला बंदा हूँ, और इस डेली व्लॉगिंग के चक्कर में ना कॉन्टेंट बनाने के लिए निकलना है, फिर इसको एडिट मुश्किल ये है कि बना भी लो तो फिर उसके बाद एडिट जो है ना वो आपके 2-3-4 घंटे ले जाता है। इस वजह से ना मुश्किल हो रही है डेली व्लॉगिंग में, और गले में आ गई है बस ये चैलेंज जो मैंने लिया है। लेकिन क्या कर रहे भाई, आप लोगों को अटेंशन देने, आप लोगों की अटेंशन लेने के लिए ये भी करना पड़ता है। इस वजह से जो है मुझे खुद भी नहीं पता कब तक चलेगा, लेकिन चलाते हैं जब तक। अभी बस यही अपडेट है कि 3rd रोज़े की जो है, 3rd रोज़ा हमारा स्टार्ट हो गया है और हम लोग जॉब पे जा रहे हैं अभी। बाकी आपसे फिर बाद में मिलता हूँ इंशाल्लाह। भाई मैं अभी लेट हो गया था तो मैंने सोचा अभी आपसे बात ही कर लेता हूँ जब लेट हो गई है तो। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी घर पर पहुँचा हूँ मैं। 6:30 बज रहे हैं अभी। रास्ते में मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, इस वजह से मुझे 15 मिनट लेट हो गया हूँ मैं। वेलकम अगेन भाई, इफ्तारी हमारी हो गई, खाना भी हम लोगों ने खा लिया है, यानी कि बहुत इफ्तारी के, यानी कि अभी टाइम हो रहा है कोई 11:15 बज रहे हैं अभी, और अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी ये है कि घर में ही हूँ अभी मैं आज, क्योंकि बाहर जाने के लिए जो है कॉन्टेंट में बाहर है नहीं अभी दिखाने को, और ज़बरदस्ती वाला कॉन्टेंट मैं आप लोगों के ऊपर थोप नहीं सकता कि कुछ भी दिखा दूँ। इस तरीके से जो है बदनाम हो सकते हैं भाई हम लोग, कि ये यूट्यूबर जो है ना ये कुछ भी दिखाता है, और इस वजह से जो है ज़बरदस्ती वाला कंटेंट नहीं बनाएंगे, जो है साफ साफ वही दिखाएंगे। अब ये 2-2.5 मिनट की जितनी भी मिनट की बनेगी, और बस यही दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन एक ये है कि मैं काफ़ी टाइम से ना एक गेम खेला था, सोडा सॉर्ट पज़ल, वही है कि मैं 9 उस गेम का ना एडिक्ट हो चुका था। मैंने बोला इसे जान छुड़ानी है, और मैंने अपना टारगेट बनाया था कि भाई जब इसके 1000 लेवल हो जाएंगे ना तो ये गेम जो है मैं अपने मोबाइल से डिलीट कर दूँगा। और अभी इत्तेफाकी बात ये है कि भाई मैं जो हूँ ना उस गेम के लेवल पे ना 997 पे पहुँचा हुआ था, 3 लेवल रहते थे। मैंने सोचा कि इस व्लॉग में ना उस गेम को ही एंड कर देते हैं, तो छोटा सा पार्ट उस वीडियो का भी होगा, उस गेम का भी होगा, तो काइंडली वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से चुटकियों में हम लोग सॉल्व करते हैं पज़ल, वो भी 1000 लेवल पर आगे, और वो गेम फिनिश हो जाएगा। अगर आप लोगों वाले पार्ट पसंद आए, मतलब गेम पसंद आएगा, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, हम लोग बनाएंगे। बाकी मेरे साथ बराबर में अभी जो है ना तहसील बैठा हुआ, तहसील क्या कर रहा है इससे पूछते हैं अभी। क्या कर रहे हो तहसील? फ़ोन चला रहे हो? किसको देख रहे हो फ़ोन में? यूट्यूब। इसको गेमिंग पसंद है वैसे, आप लोगों को बताऊँ, एक क्रिकेट और एक है गेमिंग। इससे फेवरेट यूट्यूबर पूछते हैं कौन है इसका फेवरेट यूट्यूबर कौन है तेरा? टेक्नो गेमर्स वो अज्जू भाई। फिर टेक्नो गेमर्स में खाली उज्जवल है ना, उज्जवल इंडियन गेमर है वो। इसका भी एक ख्वाब है भाई, ये भी एक गेमर बन जाए या क्रिकेटर बन जाए, इन दो चीज़ों में से ज़्यादा प्रेफरेबल करता है कि ये क्रिकेटर बन जाए। वैसे गेमिंग के लिए जो ना अभी अभी तो पूरा सपना पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए भाई, मनी कहाँ से लेकर आएंगे? हाँ, बहुत गेमिंग महंगा सेटअप होता है, देखा ना तूने यूट्यूब पर, सब पता है इसको गेमिंग के बारे में। माइनक्राफ्ट तेरा फेवरेट गेम कौन सा है? माइनक्राफ्ट इसका फेवरेट गेम है भाई, इसको बहुत पसंद है, और इसने मेरे ख्याल खेला हुआ भी है, मोबाइल में खेला है, मोबाइल वर्जन में जो है, और इसने क्रैक किया था वो सारे डायमंड्स खुले हुए थे है ना। तो बस अभी के लिए ये है कि इस वीडियो के बाद जो है वो गेम का पार्ट चलेगा, और तब तक जो है आप लोग मेरी शायद वॉइस ओवर होगी उसके अंदर, वो आप लोग देखना। तो दोस्तों ये वो गेम है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि मैं इस गेम का एडिक्ट हो चुका था। मैंने ये गेम जो है ना एक ऐड चल रहा था वहाँ से डाउनलोड किया था। मैंने सोचा कि यार मुझे ना इस तरह के इंटरेस्टिंग लगते हैं गेम जिसमें पजल वगैरह होते हैं ना, तो मेरा शौक रहता है कि मैं इस तरह के गेम्स डाउनलोड करूँ, तो इसलिए मैंने ये गेम डाउनलोड किया था। लेकिन मैं काफ़ी खेलता रहता था इसको, मैंने सोचा कि यार फालतू में मैं इसमें इतना टाइम लगाता हूँ, इससे जान छुड़ाता हूँ, तो मैंने अपने एक टारगेट सेट किया कि मैं 1000 लेवल पे आके इस गेम को डिलीट कर दूंगा। अभी आप लोग देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है ना, लेवल 997 पे मैं ऑलरेडी हूँ।
हमें सिर्फ 3 पजल और जो है सॉल्व करना है और फिर हम इस गेम का डी एंड कर देंगे। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए ब्लू वाले को, क्योंकि ना बड़ा ध्यान से खेलना पड़ता है यहाँ पे गेम। अगर आपने गलती कर दी ना तो यहाँ पर ऑप्शन वैसे होते हैं, आप लोग लिखे हैं ना यहाँ पे 5 नंबर्स, इसका मतलब है कि आप अपने 5 स्टेप्स जो हैं बैक जा सकते हैं जो आपने स्टेप लिए थे। और ये जो लिखा हुआ है एक बोतल सी बनी हुई है, यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, इसके लिए आपको वीडियो वॉच करनी पड़ती है तभी ये जाके अनेबल होते हैं। अभी ये कि मैं पहले यूज़ कर चुका था पहले कभी, इसके बाद मैंने दोबारा से यूज़ नहीं किया। और लेकिन अभी ये कि 5 आप अगर आप स्टेप बैक चले जाओगे ना दोबारा से, तो ये इसमें भी ख़त्म हो जाएंगे जब 5 स्टेप, तो आपको वीडियो वॉच करनी पड़ेगी फिर ये आपको दोबारा से देगा, मतलब उसके लिए ऐड का सिस्टम चल रहा है। अभी मैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे खेल रहा हूँ, मैंने जो है ना तकरीबन इसमें इस गेम का एक ये आसान है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पर जो है ना गेम में आपको हमेशा जो है रोटेट करते रहना है, मतलब रुकना नहीं है। ये भी नहीं है कि आप लोग हर एक बोतल में ना डालते रहो, मतलब आसपास में ना उसके आसपास ही जो है इसके अंदर आप रोटेट करते रहो अब इसको कलर्स को। ऐसा नहीं है कि आपने एक खाली बोतल देखी उसके अंदर आप लोग डालने लग गए। और यहाँ पर जो है मैंने 997 मतलब अलहमदिल्ला क्रॉस कर लिया आसानी से, कोई इशू नहीं हुआ हम लोगों को। और ये गेम तो ऐसा है कि मैं यूँ निकाल लेता हूँ, किसी किसी को ना इतना मुश्किल लगता है ये गेम क्योंकि इनको खेलना आता ही नहीं है। अब 998 तो वैसे ही मुझे बहुत सिंपल लग रहा है, छोटा सा लग रहा है। कुछ कुछ बोतलें होती हैं जो होती हैं 12-15 बोतलें, लेकिन इसमें तो गिनते हैं भी कितनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 11, ये 11 है, उसमें होती होंगी कोई 17-18 बोतलें। ये तो फिर भी बहुत छोटा है और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है अगर आपको खेलना है वाकई में। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि उसके ऊपर रोटेट कर रहा हूँ, ये नहीं कि वहाँ पर, तुम्हें आराम से सोचना पड़ता है इस गेम में। अब आप ऐसे ही खेल लोगे ना इसको तो गलती हो सकती है, फिर दोबारा आपको शुरू करना पड़ेगा, फिर उसमें मज़ा नहीं आता कि दोबारा शुरू करो बार बार रिपीट करो चीज़ें, एक ही बारी में निपटाने की कोशिश करें अगर आप लोग को खेलना है ये गेम। ये देखें अभी ब्लू वाला मैंने सॉल्व कर दिया, बस थोड़ा सा रह गया ये, अब ग्रे वाला डालेंगे और बस लाल वाला अपने आप सॉल्व हो जाएगा ख़त्म। तो 998 भी हो गया, अब हैं हम जस्ट 999 पर ओनली। अब ये भी जो है ना, ये देखें इसमें देखें बोतलें कितनी ज़्यादा, उसमें हमारे इसमें 11 बोतलें हम लोगों ने गिनी थी, इसमें गिनते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें 14 बोतलें हैं, यानी कि ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, इससे भी ज़्यादा और होती हैं, 17-18 तक होती हैं ये फिर भी जो है अभी यहाँ पर इन्होंने 14 बोतलें दी हैं हम लोगों को। और जितना अगर बड़ा होगा ना उतना ही थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना देखिए संभाल संभाल के, देखिए मैंने बिल येलो वाले को उसमें वापसी डाल दिया, ये नहीं कि ये जो 1 येलो था उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया, अगर ऐसा करता देखिए फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता ग्रीन वाले के लिए, इसलिए ऐसा ऐसा करके रोटेट करते रहे और रुके नहीं। मैंने देखे ब्राउन वाले को ब्राउन वाले में डाल दिया क्योंकि ग्रीन वाले के लिए ऑप्शन नहीं था, सोचना पड़ता है इस तरीके से ऐसा ऐसा थोड़ा सा। अब ये कि मैं वॉइस ओवर तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं मेरी वॉइस जो है ये यहाँ पर आप लोगों को सही भी लग भी रही है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा बेहतर माइक नहीं है, और इसलिए ये देखे मैं अब यहाँ पर सोचने में लगा हूँ, मैंने काफ़ी टाइम लिया यहाँ पे ना सोचने में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि संभाल के खेलना है बस, रिलैक्स होके जल्दी नहीं करनी है, अगर आप जल्दी करेंगे तो बस आपको दोबारा से फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये जो मेन्यू के बराबर में बटन देख रहे हैं यहाँ से दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा येलो के रेलो में। और ये देखिए मैं थोड़ा ये ब्राउन वाला रह गया, अब ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर से ट्रिकी चीज़ें जो हमने मुश्किल वाली जो चीज़ें दी वहाँ पर सिर्फ हम जो फंसने वाले जहाँ पर थे वहाँ से हम लोग निकल गए आराम से, ये जल्दी कर देंगे बस, इसमें टाइम हम लोग कम लगेगा। ये ग्रीन में चले गया, अब येलो वाले सारे उसमें आ जाएंगे, अब रेड वाले को रेड वाले में चले जाएगा ये वहाँ सॉल्व। तो ये गेम हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर हम लोग सुकून से खेलेंगे, इस तरह के गेम जो होते हैं ना वो यही होते हैं कि जल्दबाजी ना दिखाएं और सुकून से खेलें, क्योंकि हमारे लिए खुद के लिए एक चैलेंज होता है कि हम क्या करेंगे इन गेम में। ये देखें ब्लू वाला गिरे गिरे में आ गया, मुझे शुरू में वैसे लग रहा था इस लेवल में ना कि यार मैं फंस जाऊंगा मुझे दोबारा रन स्टार्ट करना पड़े, लेकिन मैंने फिर भी ये कर लिया आराम से। ये हो गया हमारा
लेवल 999। अब हम लोग 1000 पे, 1000 पर हमें ये दिखा रहा है कि क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, यानी कि इस तरह की भी सिचुएशन आती है यहाँ पे कि भाई हमें पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट कलर होगा कौन सा, वो हमें खुद डिफाइन करना होता है यानी कि सर्च करके। ये भी इसके अंदर, अच्छा ये जो है ना, ये भी छोटी बोतलों वाला है, मतलब कम बोतलों वाला है ये भी। इसमें भी बहुत लंबी लंबी होती है, 17-18 वाली, वो बहुत ट्रिकी होती है जो काफ़ी रिपीट करनी पड़ती है मुझे बार बार, लेकिन इसमें वो करना नहीं पड़ेगा रिपीट करना हमें। ये देखें, कलर का कुछ पता ही नहीं होता, अंदाज़ा ही नहीं होता, बस आप अंधे धोखे में ना बस खेले जा रहे हो। जब आप ये खेलते हो ना तो उसमें आप जो है ना कलर के ऊपर कलर रोटेट करा करो, ये नहीं है कि नई बोतल में नया कलर डाल रहे हो, इस तरीके से आप फंस जाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा कलर कहाँ पर है, फिर रोटेट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको। ये आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ये देखिए, हमने 1000 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं इस गेम के, मुबारक हो भाई। अब इस गेम को डिलीट कर देंगे। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं मुझे। बस अभी के लिए यही है, बाकी सब एक नंबर है, और हमारी तरफ से आप लोगों को अभी अल्लाह हाफिज़। काइंडली सब्सक्राइब कर देना, तो एंजॉय योर लाइफ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।